प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं सारा अभी कंस्ट्रक्शन पे काम है, तेजी पे है। दीवालों पे काफ़ी पेंटिंग किया गया है जो कि मिथिला पेंटिंग्स है, जो कि बिहार को इंस्पायर करता है। पेंटिंग बिहार को ये स्टेट पेंटिंग मैं चढ़ चुका हूँ एस्केलेटर पे। और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग चैनल। तो अभी मैं जस्ट खड़ा हूँ अपने होम टाउन आरा में, और पीछे मेरा आप देख सकते हो आरा जंक्शन। और आज मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ अपने आरा जंक्शन का, जो कि इसका ब्यूटिफिकेशन हुआ हाल में ही। तो आइए ब्लॉग देखते हैं डिटेल्स आरा जंक्शन का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ओके। तो देखते हैं आरा जंक्शन। ये फ्रेंड्स आरा जंक्शन का फ्रंट व्यू, जो कि हाल में ही ब्यूटिफिकेशन हुआ है। तो मैं चल रहा हूँ जंक्शन के अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अभी अभी कोई ट्रेन आई है तो आप देख सकते हैं अभी जस्ट एक ट्रेन अराइव की है। ये रहा इंक्वायरी और हेल्प का ऑफिस, और ये पैसेंजर्स बैठने का वेटिंग हॉल मेन गेट वाला, जैसा आप देख सकते हैं। और अभी अभी जस्ट ये ट्रेन अराइव की है, हटिया इस्लामपुर न्यू दिल्ली एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भीड़ उमड़ पड़ी है, और अभी जस्ट ओवर क्राउड हो चुका है आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन के कारण। मैं आपको दूर तक दिखा दे रहा हूँ, सारे ट्रेन रुकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम कम मिलता है, इसलिए थोड़ा ये बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है ट्रेवलर्स को ट्रेन पकड़ने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा दे रहा हूँ, ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1, और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो भाई लोग, आप लोग भोजपुर से हैं? तो भोजपुर तो जंक्शन काफ़ी तरक्की कर रहा है, इधर भी बढ़ा दिया आरा जंक्शन, जो कि भोजपुर का प्राउड माना जाता है आरा को। और आरा तो काफ़ी तरक्की पे है, स्टेशन और काफ़ी मार्केट भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो एंजॉय कीजिए बिहार को, बदलता भोजपुर, बदलता बिहार। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आती है तो बहुत ही प्रेशर बढ़ जाता है, ओवर क्राउड हो जाता है। और बहुत काफ़ी दिन हो गए थे लेकिन अभी काफ़ी चेंज हो गया, मैं तो 2 साल इधर गैप था। ऐसे जो आप देख सकते हैं ओवर क्राउड प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। जेंट्स वेटिंग रूम फर्स्ट क्लास,
यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये सामने 2, उधर 3-4 है, जो आप पूरा व्यू देख सकते हो एक साथ पूरे आरा जंक्शन का। मेरा टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन वाला बिल्डिंग, चलते हैं इसके अंदर। और देख सकते हैं ये टिकट काउंटर बिल्डिंग है स्टे करने के लिए। यहाँ काफ़ी स्पेस है और ये रहा 1 से लेकर 8 तक 8 काउंटर्स बने हैं। तो इधर स्पेस काफ़ी है। ये रहा टिकट का बिल्डिंग और रिजर्वेशन होता है ऊपर में 2nd फ्लोर पे। तो अभी मैं 2nd फ्लोर पे जा रहा हूँ यहाँ से। ये रहा 2nd फ्लोर रिजर्वेशन का, आप देख सकते हो काफ़ी स्पेस है, काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है रिजर्वेशन। यहाँ 6 रिजर्वेशन काउंटर्स हैं और काफ़ी एरिया है आप देख सकते हो। तो पैसेंजर्स अपना रिजर्वेशन करवा रहे हैं, चलते हैं आगे। फिर मैं नीचे उतर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको ये ऑटोमेटिक टिकट मशीन जो कि एक्टिव है अभी स्टेशन पे, और टिकट कटती यहाँ से मशीन पे ऑटोमेटिक, जो कि प्रोवाइड किया गया है फैसिलिटी। तो चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं एस्केलेटर के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये रहा एस्केलेटर जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जाती है। और ये रहा, मैं आपको व्यू दिखा दे रहा हूँ पूरे आरा से आरा जंक्शन का। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं आप पूरा आरा स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है इलाका। ऊपर की ओर मैं चल रहा हूँ। वो है नया वाला बिल्डिंग, वो नया वाला बिल्डिंग है जो कि न्यू बिल्डिंग बनी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के लिए, जो कि जंक्शन कट हुआ है सासाराम की ओर। तो वो भी देखेंगे, आगे चलते हैं। ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ पूरा आरा स्टेशन का ओवरव्यू। ये ऊपर का व्यू हो गया, सामने मंदिर है। तो चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। और भीड़ भाड़ रहती है, ओवर क्राउड। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी एस्केलेटर है जो आप देख सकते हो। तो चलते हैं पहले।
गोरा अपना नया वाला बिल्डिंग जो कि बना है वहीं मैं जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, ये आप देख सकते हैं रेलवे लाइंस का नेटवर्क आरा जंक्शन पे चौड़ा होता जा रहा है। तो मैं नीचे उतर जा रहा हूँ पहले, और फिर ये मैं आ गया नए वाले बिल्डिंग के सामने जो आप देख सकते हैं सामने। आइए देखते हैं, ये रहा नई वाली बिल्डिंग, आइए देखते हैं कैसा बना है। जो आप देख सकते हैं बोला जाता है बिहार को रिप्रेजेंट करता है मिथिला पेंटिंग। और ये पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हो एक वेडिंग हॉल बनाया गया है बहुत ही शानदार। ये आप देख लेते हैं यहाँ वहाँ से लेके और ये पूरा वहाँ तक बनाया जा रहा है। उधर भी काम चल रहा है, आप देख सकते हो ऊपर स्टेयर्स कवर बनाया जा रहा है और ये बिल्कुल नया बना है। तो आइए अंदर देखते हैं अंदर में क्या है। ये अंदर का सीन, अंदर भी काफ़ी डिज़ाइन की गई है वही मिथिला पेंटिंग का। बहुत ही सुंदर कशीदा किया गया है। और ये रहा पूछताछ इंक्वायरी, और ये सेव वाटर का दिया गया है शाइन, जल ही जीवन है। तो मैं बाहर से दिखा दे रहा हूँ बिल्डिंग को, आइए बाहर से देखते हैं। ये रहा नए वाली बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, और इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल नया बिल्डिंग बना है। और इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे काफ़ी भीड़ है ट्रेन जाने से, होटल काफ़ी बढ़ चुकी है, तो एक्सपेंशन हुआ है इधर ही। और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ बहुत बढ़ चुका है। आगे चलते हैं, देख सकते ओवर क्राउड हो जाता है ट्रेन जाने से। और ये एस्केलेटर लगाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एस्केलेटर लगा है, 2 एस्केलेटर्स हैं। तो आइए एस्केलेटर्स पे चलते हैं ऊपर, और ये ऊपर का आप सीन देख सकते हैं नीचे का पूरे प्लेटफॉर्म का सीन। और वो नई वाली बिल्डिंग देख सकते हैं, ये बिहार आरा के लोकल लड़के हैं, वो सारा एक्सपेंशन। और बोलो भाई बोलो, जय राम जी की, जय हिंद, जय बजरंग दल। ये आप देख लो फ्रेंड्स, ये जो रूट है यही डिवाइड हुआ है आरा जंक्शन। ये सीधे वाली रूट है जो कि बक्सर से होते रास्ते आपको मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय और लखनऊ कानपुर होते दिल्ली को जाती है। और ये जो कट गया ये रूट सासाराम रूट यहाँ से कट गया है नया रूट, जिसके कारण जंक्शन हो गया आरा। और ये सब पुरानी बिल्डिंग्स ये आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 4 इधर, ये पार्किंग बन चुका है इधर और एक्सपेंशन हो रहा है स्टेशन का। सारे 2-व्हीलर्स खड़े किए गए हैं, अरेंज किए गए हैं, व्यवस्था की गई है। और इधर भी पार्किंग बन रहा है 4-व्हीलर्स के लिए, काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है स्टेशन।
देख सकते हैं सामने ऑटो रुके रहते हैं, बैटरी के ऑटो और ट्रैफिक के लिए, यात्रियों के लिए। ये है आरा जंक्शन के ठीक बाहर मंदिर, जो कि जंक्शन के ठीक बाहर है, देख सकते हैं आप कि जंक्शन मंदिर के बीचों बीच दिख रहा है। Beep, 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 beep.